खबर फिरोजाबाद से। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार दो महिलाओं की मौत हो गई, करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। टेम्पो सवार लोग कोटला में गमी से जसवंत नगर इटावा की तरफ जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। का मादादीन हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मलाई में मलाजनी। कहाँ थाना पड़ता है? थाना कौन सा पड़ता है? थाना जसवंत नगर है। जसवंत नगर कहाँ से जा रहे थे आप? जा रहे थे घर ही जा रहे। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? कोटला। किससे एक्सीडेंट हुआ आपका? किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? गाड़ी लंबा थ्री व्हीलर में। हाँ, क्या लोग थे आप? सात आठ लोग। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, क्या मामला हुआ, किससे घटना हुई है? लोग कहीं बाहर से मिट लगा के आ रहे थे, तो ऑटो से थे ये 6-7 लोग, और उसमें से दो लोग एक्सपायर हो चुके हैं और लोगों की छोटे हैं। क्या लोग थे? कम 7 लोग, 7-8। कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? ये खैरगढ़ से मलाजनी जा रहे थे, जसवंत नगर मलाजनी। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? मक्खनपुर। कौन सी गाड़ी से थे? ऑटो से थे। देखिए, आज शाम 4:30 बजे गांव मलाजनी थाना जसवंत नगर इटावा का एक परिवार अपने एक रिलेटिव के यहाँ कोटला थाना नारखी फिरोजाबाद यहाँ गए थे, और उधर से टेम्पो में वापस आ रहे थे। कुल उसमें परिवार के 9 लोग सवार थे। थाना मक्खनपुर के क्षेत्र में पायनियर पुलिया, इस पायनियर पुलिया के पास ये टेम्पो डिवाइडर से टकरा के पलट गया, एक्सीडेंट हो गया। उसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और बाकी 7 घायल हो गए हैं। सूचना पे SHO तत्काल मौके पर गए और उन्होंने वहाँ से जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, और इसमें जो मृतक है उनको मोर्चरी भेजा गया है, और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।